एक ही वस्तु परिस्थिति को देखने के हर व्यक्ति के व्यू अलग अलग है, हर व्यक्ति का चिंतन अलग अलग है। एक ही परिस्थिति को तीन चार पांच लोगों से आप परिभाषित कराइए, देखिए अलग अलग आएगा, अलग अलग निकलेगा, अलग अलग अर्थ निकलेगा, अलग अलग चिंतन निकलेगा। जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत बन जाएगा, स्याद आस्ति स्याद नास्ति, स्याद आस्ति नास्ति च, स्याद यास्ति च नास्ति च, स्यादवाद का सिद्धांत निकलेगा। ये राम जी का सहज स्वरूप है, समझ में नहीं आता। माता जी तो कहती है बाबा राम जी के बारे में कैसे जाना जाए, तो भोले बाबा कहते हैं राम अतर्क्य बुद्धिमान राम अतर्क्य बुद्धिमान मत कदपि संत मुनि वेद सीमा है, जो सीमित है उसके बारे में तो आप कुछ तर्क रख सकते हैं, जो असीम है। मेरे राम का रामचरित्र भी असीम है, अनंतानंत है। राम जी का स्वरूप कहते हैं बाबा भोलेनाथ, बिन पद चले सुने बिनु काना। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया इस कथा में भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तमता पर चर्चा करेंगे, फिर जो लीला महोत्सव होगा वो लीला भाव से गान करेंगे। भगवान राम जी अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र अथवा कोई और, ये प्रश्न है भरद्वाज जी का याज्ञवल्क जी से
और यही ठीक यही प्रश्न है माँ भगवती पार्वती जी का भोले बाबा से। राम जी वही हैं जो प्रभु विपिन फिरत हम देखा, मैं देखा, बाबा कहते तुम देखा। राम जी जब तक न चाहें राम जी के बारे में जाना नहीं जा सकता। जिसको राम जी अपने बारे में बोध कराना चाहते हैं वही राम जी के बारे में जान सकता है। ऐसा क्या है? अरे हम तो क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जान लीजिए, राम जी के बारे में नहीं जाना जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि जी तो कहते हैं जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभुन चाव निहारे, तेउन जाने मरम तुम्हारा और तुम्ही को ज्ञान निहार, सोई जानई जेहि देव जनाई। राम जी को कौन जान सकता है? जिस पर राम जी कृपा करके अपने को जनवा दे। जान लेने के बाद जीव जगत में नहीं रहता, वो जगदीश की मस्ती में लग जाता है। इसलिए यदि संसार में रहना है तो राम जी के बारे में थोड़े जानना ठीक है। हाँ, ये रामत्व क्या है? त्रेता युग में राम जी भय रहे, द्वापर बीत गया, कलिकाल का पहला चरण है, यहां भी राम चर्चा चल रही है, राम भजन चल रहे हैं, राम जी को भगत लोग भाव लेकर और निरंतर उसमें अवस्थित रहते। पूरी दुनिया में कम से कम लाखों भगवान के दरबार होंगे, बने होंगे, मंदिर होंगे, यहां भी ठाकुरद्वारी में बने हैं। भगवान भगवान का भाव आपकी दृष्टि में, भगवान का भाव भगवत्ता से निरूपित है।